हेलो फ्रेंड्स, मैं मोनिका आपका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल माही खाना खजाना में। आज मैं आपको कुछ स्पेशल बनाना सिखाऊंगी। सबसे पहले मैंने ये 250 ग्राम साबूदाना लिया है। हम इसको एक कढ़ाई को गैस पर रख के इस साबूदाने को पूरा सेक लेंगे। मैंने एक कढ़ाई गैस पर रख दी है, इसकी फ्लेम ऑन कर दी है। अब मैं इस साबूदाने को इस कढ़ाई में डाल दूँगी। फ्रेंड्स, अब हम इसको अच्छे से सेक लेंगे, बिल्कुल क्रिस्पी हो जाए। फ्रेंड्स, हमारा साबूदाना अच्छे से सिक गया है। अब हम इसको उतार के ठंडा करके मिक्सी में पीस लेंगे। ये दो आलू लिए हैं, हम इनको भी मिक्सर में डाल के पीस लेंगे। फ्रेंड्स, ये देखिए हमारा साबूदाने का बैटर पीस के तैयार हो गया है। अब हमने जो आलू वाला बैटर पीसा है, इसको हम इसमें ऐड कर देंगे। ये ऐड कर देंगे, थोड़ा सा जीरा ऐड करेंगे और दो हरी मिर्च को कूट के इसमें डाल देंगे। उसके बाद हम इसमें सेंधा नमक डालेंगे, क्योंकि फ्रेंड व्रत में सेंधा नमक ही खाया जाता है। आप अगर बिना व्रत के बना रहे हैं तो आप नॉर्मल नमक भी ऐड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अब हम गैस पे कढ़ाई रखेंगे, गैस की फ्लेम को ऑन करेंगे और उसमें थोड़ा सा तेल डाल देंगे। कढ़ाई का तेल गर्म हो गया है, अब हम इसमें अपने पकौड़ों को डाल देंगे। फ्लेम को लो कर देंगे। पकौड़े एक साइड से सिक गए हैं, अब हम इनको पलट देंगे और अच्छे से इधर से भी सीखने देंगे। हमारे ये पकोड़े हो गए हैं, अब हम इनको एक प्लेट में उतार लेते हैं। और पकोड़ों को भी इसमें ऐड कर देते हैं। तरफ से सीख गए हैं, अब हम इनको पलट देंगे। हमारे ये पकोड़े भी सीख गए हैं। फ्रेंड्स, हमारे ये पकोड़े भी सिक गए हैं, अब हम इनको भी बाहर निकाल लेंगे। फ्रेंड्स, ये देखिए हमारे पकोड़े बनके तैयार हैं। आप इन्हें नारियल की चटनी, धनिया की चटनी, टमाटर की चटनी किसी के साथ खा सकते हैं। अगर आप टमाटर की चटनी नहीं खाते तो टमाटर को स्किप कर सकते हैं। रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए और ट्राई करने के बाद अगर अच्छी लगे तो मेरी वीडियो पर लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर कल मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू, बाय बाय।